कांग्रेस पार्टी पंजाब प्रधान राजा वडेंग पटियाला पहुंचे और कांग्रेस के देहाती दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी को कोर्ट द्वारा राहत न मिलने के चलते जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद थी कि हाई कोर्ट से कुछ राहत जरूर मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि भारत के लोकतंत्र संविधान के सभी देशों में बात होती है, लेकिन ये तो उसका कत्लेआम कर रहे हैं। मैं समझता कि बहुत ही आज मदभागा फैसला देश के इस लोकतंत्र और दे विच होया। आज दा दिन इतिहास दे विच दर्ज हो जाएगा। मैं समझता कि बहुत ही काला दिन है, क्योंकि लोकतंत्र दे इस देश विच जिथे भारत दियां पूरी दुनिया च गल्लां हुंदियां डेमोक्रेसी दियां, अज उहदा दोबारा फिर कतल होया। और जिस प्रकार का फैसला आया है कि किसी प्रकार का कोई स्टे नहीं दिता गया, सानू तो पूरन जिहड़ा मान सीगा मानजोग अदालत ते कि सानू हाई कोर्ट दे विच जाके राहत मिलेगी। राहुल गांधी नू जिस तरह 2 साल की सजा हुई है, सारी दुनिया ते सारा लोग इस गल ते चिंतित हन कि डिफेमेशन केस दे विच पहली वारी किसी व्यक्ति नू 2 साल की सजा हुई है, और 2 साल की सजा होने दे बाद किसी प्रकार की कोई राहत जड़ी है हजे राहुल गांधी जी नू नहीं मिली। राजा वडेंग ने कहा कि हमें अब उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र को बचाने के लिए कुछ फैसला लेंगे। देश के प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी के ऊपर जो मुकदमा दर्ज करवाया है वो गलत है। हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकतंत्र की आवाज उठाने वाले राहुल गांधी की आवाज दबाने की कोशिश की गई है, जो कि पूरी तरह से गलत है। आज भी ऐसी उम्मीद करते हैं कि शायद मानजोग अदालत सुप्रीम कोर्ट आने वाले समय दे विच इस देश दे संविधान नू बचाउण दी कोशिश करेगी। सानू पूरन यकीन है और पूरन विश्वास है कि सानू सुप्रीम कोर्ट दे विच राहत मिलेगी। लेकिन आज जिस प्रकार सरकारां दे रवैये भारत सरकार ने और खास करके देश दे प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र दी आवाज नू दबाउण दी कोशिश कीती है और राहुल गांधी दे उत्ते मुकदमा दर्ज करा के ये काम कीता है, मैं समझदा कि असीं उहदी निंदा करदे हां। और तमाम साथी ये राहुल गांधी जी दे नाल नहीं खड़े, राहुल गांधी जी दे नाल तां असीं पार्टी दे वफादार सिपाही हां, लेकिन देश दे कॉन्स्टिट्यूशन नू बचाउण वास्ते ते देश दे लोकतंत्र दी लड़ाई लड़न वास्ते अज समुचे अज साथी इत्थे आए हां, और असीं अंतिम समय तक यह लड़ाई लड़ांगे। और जिहड़े साडे हक है हकां दा इस्तेमाल करदे होए राहुल गांधी जी आउण वाले समय च सुप्रीम कोर्ट च जाणगे, और सानूं पूरन उम्मीद है कि उत्थों राहत मिलेगी। ते नहीं तां आउण वाले समय च असीं जेल जाण तों नहीं डरदे। पंजाब दे की देश दे कोने कोने च हज़ारां लखां दी तादाद दे विच लोकतंत्र दी इस लड़ाई दे विच, संविधान बचाओ दी इस लड़ाई दे विच साडा साथ देणगे। असी जेल पर अंदोलन करांगे ते अज मैं करड़े शब्दां दे नाल अज दे इस मदभागी फैसले दी निंदा करदा हां, और असी सारे साथी राहुल गांधी दे नाल चटांग वांग खड़े हां। इस करके अज इत्थे आए अज पूरे पटियाला से केशव कुमार की रिपोर्ट। नेशन स्पीक्स अब बोलेगा हिंदुस्तान।